कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरे लिए थोड़ी सी व्यवस्था नहीं है। आज हम क्योंकि मैं विधायक हूँ, मंत्री हूँ, मंत्री होने के कारण मेरी जिम्मेदारी है, तो मैंने उससे बोला था कि इसको कहाँ एडमिशन मिल सकता है। इसका एडमिशन अभी हो जाएगा, और ये ला कर रही है, ला करेगी ना, ला करेगी, और ला करके लड़ने की कोशिश करेगी। तो समाज में महिलाओं में स्वावलंबन, अपनी संस्कृति में कभी भी महिलाओं को पीछे नहीं रखा गया क्या? हम जिस संस्कृति में रहते हैं उसमें महिला को तो सर्वोच्च स्थान दिया गया, इसलिए पढ़ाई करके आगे बढ़ने का, केरियर बनाने का प्रयास करो बेटा, ठीक है? हमारे गांव में भी पहले महिलाओं का, वही मैं कह रहा हूं, भैया फीस पूरी शासन भरेगा, पूरा पूरा पूरे समय का शासन हम भरे, कैसे भरेंगे जी? फीस पूरी होगी, ऐसी और बच्चियों के अंदर निर्देशित किया जा रहा है जी, जो योग्य बच्चे एडमिशन हो सकता है, एडमिशन परसेंटेज का होता है जी। ये कॉलेज के अपने नियम प्रक्रिया है जी, नियम प्रक्रिया से अलग करके एडमिशन नहीं कर सकते। नियम प्रक्रिया में जो बच्ची आती है योग्यता के आधार पर, उसको पढ़ाई से वंचित नहीं रखा जाएगा। ये कम से कम जीडीसी में आने वाली छात्राओं के लिए व्यवस्था में कर। Thanks.